2020 पूरी दुनिया लॉकडाउन से गुजर रही थी, लोगों की जॉब्स जा रही थी और हम सब अपने अपने घरों में जो भी एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल रहा था उससे काम चला रहे थे। ऐसा नहीं था कि गेम्स की दुनिया में कोई नई गेम रिलीज नहीं हो रही थी। लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, एनिमल क्रॉसिंग, ओरी एंड द विल ऑफ द विस्प्स जैसी बहुत सी गेम्स उस टाइम रिलीज हुई थी, लेकिन कॉस्ट, कंसोल एक्सक्लूसिविटी, इन सब के चलते कोई भी गेम अपना होल्ड नहीं ले पाई। इंडिया में उस वक्त पबजी मोबाइल ने बहुत जोर पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर 2020 में उसे भी बैन कर दिया गया। पर कोई भी ऐसा गेम नहीं था जो पीसी, मोबाइल और कंसोल के प्लेयर्स को एक साथ ला सके। पर यह सब चेंज हुआ 28 सितंबर 2020 को, जब एक चाइनीज डेवलपर मिहोयो ने रिलीज किया अपना एम्बिशियस प्रोजेक्ट गेंशिन इंपैक्ट, एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर आरपीजी जिसने ऑफर किया घंटों लंबा गेम प्ले, वास्ट मैप, ग्रेट म्यूजिक एंड डिसेंटली वेल स्टोरी लाइन, और वो भी सब फ्री और हर तरह के कंसोल, मोबाइल और पीसी पे अवेलेबल। बस फिर क्या था, देखते ही देखते ये गेम एक सेंसेशन बन गया और इसने गेमिंग वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। गेंशिन इंपैक्ट किसी भी पैरामीटर पे कोई पहली गाचा गेम नहीं थी, उससे भी पहले काउंटलेस गाचा गेम्स मार्केट में थी और इनफैक्ट होयोवर्स की खुद की ही ये पहली गेम नहीं थी। पर गेंशिन इंपैक्ट ने कुछ ऐसा किया जो इससे पहले की गाचा गेम्स नहीं कर पा रही थी, और वो है गाचा गेम्स को कूल और एक्सेसिबल बनाना। गेंशिन इंपैक्ट ने बाकी के गेम डेवलपर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट छोड़ा कि अगर आपको एक फाइनेंशियली सक्सेसफुल गेम बनानी है तो आपको ये सब करना होगा। कट टू 3.5 years लेटर टू 2024, और आज गाचा गेम्स की जो सुनामी आई हुई है उसमें हम सब बराबर डूब रहे हैं। गेंशिन इंपैक्ट, होंकाय स्टार रेल, वुदरिंग वेव्स, सोलो लेवलिंग अराइज, ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो और भी बहुत कुछ। जहां बाकी सारी गेम्स खेलने के लिए एक एवरेज इंडियन गेमर ये बहाना मार सकता है कि यार गेम बहुत महंगी है या फिर मेरे पास खेलने के लिए गेमिंग पीसी ही नहीं है, यहां पर तो वो बहाना भी नहीं चलेगा क्योंकि ये सारी गेम्स मोबाइल डिवाइसेस पर अवेलेबल हैं। मोबाइल गेमर्स भले ही इन गेम्स को कंटिन्यू ना करें बट एक बार इंस्टॉल करके ट्राई जरूर करते हैं। बाद में अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर या फिर डिवाइस में स्टोरेज ना होने की वजह से इनमें से एक दो गेम को डिलीट कर देते हैं, लेकिन आज के वर्ल्ड में जहां मोबाइल डिवाइसेस के प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं और आपके फोन में सारी गेम्स की जगह आसानी से बन सकती है, वहां पर एक दूसरी दिक्कत आ रही है जो इन सब गेमर्स को इन गेम्स से इंगेज करने में रोक रही है, और वो दिक्कत है फटीग। एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। कोई नया प्लेयर अगर आज सिर्फ गेंशिन इंपैक्ट खेलना शुरू करता है तो उसे अभी एग्जिस्टिंग कंटेंट क्लियर करने में, जिसमें मेन क्वेस्ट, साइड क्वेस्ट, कंपेनियन क्वेस्ट और वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन इंक्लूडेड है, उसे फिनिश करने में 400 से 500 घंटे लगते हैं, और यहां मैं सिर्फ गेंशिन की बात कर रहा हूं। और इसमें मैंने अभी वो कंटेंट इंक्लूड नहीं किया है जो हर महीने हर पैच में रिफ्रेश होता है, जैसे कि इवेंट्स और उनकी स्टोरी लाइन। होंकाय स्टार रेल को भी आए हुए एक साल हो चुका है और उसमें भी सारी क्वेस्ट्स और एक्सप्लोरेशन को मिला के बहुत सारे आवर्स का गेम प्ले है, और वुदरिंग वेव्स तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि इतना सारा कंटेंट अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको कितने टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये तो वही बात होगी कि स्कूल में जब समर हॉलीडेज होते थे तो हर टीचर इतना हॉलीडे होमवर्क दे देता था जैसे कि उसे लगता हो कि बच्चे के पास मेरे सब्जेक्ट के अलावा करने को कुछ और है ही नहीं। तो जब इतना सब कंटेंट है तो फिर कैसे मैनेज करें? एक कैजुअल प्लेयर के लिए एक गेम को छोड़ के दूसरी गेम खेलना फिर भी आसान होता है, पर एक स्ट्रीमर के लिए सब कुछ खेलना जरूरी होता है। और इनफैक्ट कुछ गेमर्स ऐसे ही गेम्स को खेलते हैं कि वो सब कुछ खेलना चाहते हैं और सब फिनिश करना चाहते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस अपकमिंग सुनामी को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूं और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हो। नंबर 1, ग्राइंडिंग माइंडसेट से बाहर निकलो। देखो, गाचा गेम्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हर चीज उसमें अचीवमेंट लगती है। नया कैरेक्टर निकल जाए, अचीवमेंट हो गई। बढ़िया आर्टिफैक्ट्स मिल गए, अचीवमेंट हो गई। मैप एक्सप्लोर हो गया, अचीवमेंट हो गई। आपको ये समझना होगा किसी भी गेम को आप एंजॉयमेंट के लिए खेलते हो, और ग्राइंडिंग करके आपको एक सेटिस्फैक्शन या अचीवमेंट तो मिल सकती है पर एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। आपको अभी से अपने टाइम और रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखना होगा। आपको ये समझना होगा कि कोई बात नहीं अगर मैप 100% नहीं हुआ तो, कोई बात नहीं कोई बढ़िया 5-star नहीं मिला तो, एक पर्टिकुलर टीम कॉम्प पे फोकस करो और उस टीम में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको पुल करके बिल्ड करने पे फोकस करो, और दूसरी टीम या कैरेक्टर्स की तरफ तभी जाओ जब एक आपकी टीम अच्छे से बिल्ड हो गई हो। मैं पर्सनली ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो को बहुत ही ज्यादा कैजुअली खेलने वाला हूं और उस गेम में बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करने वाला। जो भी कैरेक्टर्स मुझे उसमें फ्री मिल रहे हैं, 4-star हो चाहे 5-star, मैं सिर्फ उन्हें ही बिल्ड करूंगा, और कभी मन किया तो जो सेव्ड अप रिसोर्सेज हैं उनसे कभी कभी पुल कर लिया, बट ग्राइंड मस गेम में बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मेरे चैनल पे सिर्फ दो ही गेम्स ऐसी हैं जिन्हें मैंने चूज किया है जिनके अंदर मैं ज्यादा ग्राइंड करूंगा और जिनमें कैरेक्टर्स पुल करूंगा, वो है गेंशिन इंपैक्ट और वुदरिंग वेव्स। होंकाय स्टार रेल और ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो अब मैं सिर्फ एक कैजुअल प्लेयर की तरह स्टोरी एंजॉय करने के लिए ही खेलूंगा, और अगर आपको भी एंजॉय करना है तो आपको भी यही करना होगा। नंबर 2, इट्स ओके टू लेट गो ऑफ गेम्स।
सारी गेम्स फिनिश करना जरूरी नहीं है, और स्पेशली लाइव सर्विस गेम्स जो कब खत्म होंगी या होंगी भी नहीं उन्हें फिनिश करना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि आप किसी गेम की स्टोरी से अटैच हो जाते हो लेकिन उसको खेलने का टाइम नहीं है आपके पास। ऐसे केस में आप यूट्यूब की मदद से या फिर लाइव स्ट्रीम्स की हेल्प से स्टोरी पे अप टू डेट रह सकते हो। आपको खुद खेलने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरे पास ना एक्सबॉक्स है ना PS, लेकिन बहुत सी गेम्स हैं जो इन्हीं कंसोल्स पे एक्सक्लूसिव हैं। तो क्या मैं उन गेम्स की स्टोरी को स्किप कर दूं क्योंकि मेरे पास कंसोल नहीं है? बिल्कुल नहीं। YouTube के ऊपर आप गेम को और उसकी स्टोरी को फॉलो कर सकते हो, और उसके लिए आपको गेम इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप ध्यान दो तो गेंशिन इंपैक्ट, हॉन्गकाई स्टार रेल, वुदरिंग वेव्स, इन गेम्स का जो मेन 80% कंटेंट है वो इनकी स्टोरी ही है। जब भी आप कोई आर्कोन क्वेस्ट या ट्रेल ब्लेज क्वेस्ट करते हो तो उसमें 80% ऑफ द टाइम आप गेम कम खेल रहे होते हो और एक स्टोरी ज्यादा देख रहे होते हो, जैसे कि कोई मूवी चल रही है। तो मुझे लगता है फॉर द सेक ऑफ योर सैनिटी एंड योर टाइम, अगर आप उस 20% गेम प्ले को चाहो तो स्किप कर सकते हो और सीधा 80% उस स्टोरी पे ही जा सकते हो, अगर आपको स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्ट है और गेम प्ले में कम या लिटिल टू नो इंटरेस्ट है, और उसके लिए आपको गेम इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर आपको भी कोई अभी का गाचा गेम ऐसा लगता है जिसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है बट गेम में ग्राइंड बहुत ज्यादा है, तो आप भी गेम को स्किप करके सिर्फ स्टोरी फॉलो कर सकते हो। हो सकता है कि पर्सनली मैं हॉन्गकाई स्टार रेल के साथ ऐसा ही करूं। नंबर 3, संक कॉस्ट फैलेसी। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि गेम में मजा ना आ रहा हो तो उसे छोड़ देना चाहिए और उसकी स्टोरी को यूट्यूब पे फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि हम इतनी आसानी से गेम्स को छोड़ क्यों नहीं पाते। इसके पीछे दो रीजंस हैं, पहला संक कॉस्ट फैलेसी और दूसरा फोमो। अब संक कॉस्ट फैलेसी सिंपली ये कहती है कि इंसान जिस चीज में ज्यादा टाइम या पैसा इन्वेस्ट कर चुका होता है उसे आसानी से नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब छोड़ दिया तो इतना सारा टाइम और पैसा वेस्ट हो जाएगा, जबकि उसका असली फायदा उसे छोड़ने में ही होता है। संक कॉस्ट फैलेसी का एक अच्छा एग्जांपल है लोगों का टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर ना निकलना, या फिर जिन लोगों के बच्चे नालायक निकल जाते हैं उनके माँ बाप फिर भी उन्हें पालते रहते हैं कि चलो बच्चा तो अपना ही है। तो बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे सुन के ये। एंड फोमो का तो किसे नहीं पता, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब भी आप कोई काम करते हो और उस काम के अराउंड कोई कम्युनिटी बना लेते हो या कोई कम्युनिटी ढूंढ लेते हो तो आपको लगता है कि अब तो इस चीज से अपडेट रहना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कम्युनिटी में अपनी पोजीशन लूज कर दूंगा। देखो, ये दोनों ही चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं जो आपको वो सब करने पे मजबूर कर देता है जो आप नहीं करना चाहते, और अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का इलाज एक ही है, स्ट्रॉन्ग विल। तो आप भी आज से डीक्लटर होना शुरू हो जाओ, एक प्लान बनाओ और अपने मकसद को कभी नहीं भूलना।